Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are all well. Viewers, this is Mohammed Fizan and the topic is class 9, chapter number 9 and size 9.2. And the question is question number 8. And the chapter name is Introduction to Coordinate Geometry. Question number 8 में आज हम जो पहले statement को पढ़ लेते हैं, मैं आपको दोनों करना क्या है. Statement में हमें कह रहा है कि show the points. हमें points show किए गए. वो points है A, B, C and D. चार पॉइंट्स आप लोगों को क्या रहता है, ये क्या होगा, ट्राइंगल तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये या रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, ठीक है. चार पॉइंट्स से पहले ये चीज जाहिर हो रही है. फिर वो कहता है वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल. ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है चार पॉइंट्स का. पहला क्या कहता है कि ए बी सी एंड डी, ठीक है. हमारे पास ए पॉइंट क्या है, माइनस सिक्स एंड फाइव. बी पॉइंट क्या है, फाइव माइनस फाइव. सी पॉइंट क्या है, 5 माइनस एट. एंड डी पॉइंट क्या है, माइनस सिक्स एंड माइनस एट. ये हमारे पास चार पॉइंट्स हैं. वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड इट लेंथ ऑफ डायगोनल. हम लोगों ने इसका लेंथ फाइंड करना है. लेंथ मतलब कि हम लोगों को पहले फासले फाइंड करने हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड ए डी, ठीक है. और हम लोगों ने इसका डायगोनल, डायगोनल कहते हैं इस चीज को, ठीक है, डायगोनल इसको कहते हैं. क्या आर इक्वल, आर बी इक्वल, क्या ये इक्वल है, मतलब कि अगर डायगोनल लिया जाए तो ये हमारे पास साइड है क्या इक्वल है कि नहीं है. अगर ये फॉर एग्जाम्पल ए से लेकर बी, ए बी सी हम लोग रखते हैं ये चीज, तो हम लोग इसमें चेक करेंगे क्या ए बी बी सी बराबर है ए सी के. डायगोनल चेक करना है ना, तो हम लोग पाइथागोरस फार्मूला लगा लेंगे. यहाँ पे पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर. तो ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, पाइथागोरस का फॉर्मूला. अगर हम लोग ये नहीं करते तो हम लोग ऐसे भी कर सकते ए डी सी के ऊपर हम लोग लगा रहे हैं. देखिए 90 का एंगल इधर भी बन रहा है, 90 का एंगल इधर भी बन रहा है, तो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है. तो ये हाइपोटेनियस है, तो ये किसी भी हम लोग एक साइड से इक्वल करके चेक कर सकते हैं. सबसे पहले हम लोगों का जो काम है वो ये है कि हम लोगों ने इस वर्टिसेस का पहले लेंथ फाइंड करना है. तो लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या करनी है कि सारे पॉइंट्स के ऊपर फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है. ए बी का अलग लेंथ फाइंड करना है, सही है. यहाँ पे मैं ए बी का अलग फाइंड करूंगा, फिर बी सी का अलग फाइंड करेंगे, ठीक है. फिर बी सी के बाद हम लोग किस चीज का फाइंड करेंगे, सी डी का अलग फाइंड करेंगे, ठीक है. और सी डी के बाद लास्ट हम लोग किस चीज का फाइंड करेंगे, ए डी का. तो हम लोग ने चार इसके लेंथ को फाइंड करना है, ठीक है. सबसे पहले आप लोगों को किस चीज का पता होना चाहिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, मैं एक ही दफा लिखूंगा, आगे आपको खुद खुद करना है, ठीक है. एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है. ये आपके पास तो ए बी के पॉइंट्स आपके पास क्या है, ए बी के पॉइंट्स के ऊपर हम लोग पहले मैं ए बी के पॉइंट्स लिख देता हूँ. तो ए के पॉइंट मेरे पास है जी माइनस सिक्स और फाइव, और बी के पॉइंट फाइव माइनस फाइव. इसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा, इसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा, तो मेरे पास ये क्या जाएगा, एक्स वन y1 और x2 y2, ठीक है. ये फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं, सही है. तो 5 और माइनस एंड माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 एंड माइनस 5 का होल स्क्वायर, सही है. ये चीज आ गई. फिर आपके पास क्या आ जाएगा कि 5 प्लस 6 तो 11 का होल स्क्वायर प्लस और 0 का होल स्क्वायर, सही है. तो आपके पास ये क्या आ रहा है, 11 का होल स्क्वायर आ रहा है. तो 11 का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 का होल स्क्वायर तो 0 था, तो 11 का होल स्क्वायर और ये होल स्क्वायर रेडिकल कट जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 11 आ रहा है. क्या आ रहा है, 11. तो हमारे पास ए बी का आंसर क्या आ गया, 11, ठीक है. अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास बी सी है. क्या चीज है, बी सी, ठीक है. इसके ऊपर भी वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद हमें पहले पॉइंट चाहिए, b के पॉइंट 5 माइनस 5 एंड हमारे पास 5 माइनस 8, ठीक है. अब इसके ऊपर हम लोग सिंपल इनको इस डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है. तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 माइनस 5, क्योंकि ये x2 है और ये x1 है, सही है. तो 5 माइनस 5 प्लस माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 5. मैं ये स्टेप डायरेक्ट करता हूँ क्योंकि ये आप लोग को कैलकुलेशन आनी चाहिए. देखिए फॉर्मूले के अंदर क्या है, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस 8 है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 5 आ गया, ठीक है. इसके बाद हमारे पास क्या होगा, 5 माइनस 5 तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 8 प्लस 5 3 का होल स्क्वायर. तो 3 का होल स्क्वायर क्या, अब इसी तरह आ जाएगा रूट 3 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 3.
तो ये मेरे पास किस चीज का आंसर है, बीसी का, सॉरी हाँ बीसी का। तो बीसी का आंसर क्या आ गया, थ्री आ गया। ठीक है, मैं आंसर मैंने यहाँ पे अपने पास सेव रखे हैं, तो मेरे पास ए बी का आंसर क्या आ गया, 11, और बीसी का आंसर आ गया 3। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं, सी डी की तरफ। तो सी डी के पास मेरे पास क्या है, इसके ऊपर हुए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। मैं यहाँ पे सी और डी के पॉइंट्स लिख लूंगा। सी के पॉइंट्स है हमारे पास 5 - 8, और डी मेरे पास है जी -6 और -8। ठीक है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो ये x2 है -6, ये x1 है -5 का होल स्क्वायर, और -8 ये माइनस, और ये फॉर्मूले वाला माइनस जो है वो प्लस कर देगा, तो ये +8 हो जाएगा होल स्क्वायर से। ये नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -6 और -5 -11 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, ये 0 का होल स्क्वायर। सही है, सो आपके पास लास्ट में ये क्या आएगा कि -11 का होल स्क्वायर 121 होता है, प्लस में आ जाएगा, और 121 किसके बराबर है, 11 के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास जी आ गया जी डी, सी डी किसके बराबर आ गया, 11 के, सी डी भी 11 के। अब लास्ट हमारे पास क्या है, ए डी, इसका भी वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद हमने पॉइंट्स को उठा लेना है। पॉइंट हमारे पास क्या है, ए और डी। तो ए और डी का पॉइंट है, पहले ए के पॉइंट रखेंगे, तो ये है -6 और 5 ए के पॉइंट है, और डी के पॉइंट है जी -6 और -8। ठीक है, हमें -5 है। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, ये -5 है, तो ये थोड़ी सी माइनस का मिस्टेक था मेरे ख्याल में, मैंने चेक नहीं किया था, बट ए बी के हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया। ठीक है जी, 6 - 5 तो ये आ जाएगा 6 - 5 और -5 एंड -6 + 5 आ जाएगा। ठीक है, आगे वो 0 ही आ रहा है। सही है, फिर बी सी के ए के पॉइंट में मिस्टेक है, ए डी के ऊपर आएंगे तो ये -5 है। सही है, तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करेंगे जी, हमारे पास आ जाएगा x2 - 6 एंड +6 हो जाएगा फॉर्मूले की वजह से, +-8 और +5 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे 0 हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, -3 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास क्या चीज आ जाएगी जी, 9, और 9 किस चीज के बराबर है, 3। तो ये मेरे पास क्या आंसर आ गया, ए एंड डी, ए एंड डी किसके बराबर आ गया, 3। अब एक चीज नोट करते हैं, क्या नोट करते हैं, आप लोगों ने चेक करना है कि ए बी का आंसर क्या आ रहा है, 11। ए से लेकर बी तक का आंसर क्या आ रहा है, 11, और सी से लेकर डी तक का आंसर भी 11 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो आमने सामने है ना, ए से लेकर बी तक का फासला बिल्कुल आमने सामने है, और सी से लेकर डी तक का फासला बिल्कुल आमने सामने है, तो ये इक्वल आ गया। बी सी एंड ए डी इक्वल आना चाहिए, तो बी सी आप चेक कर सकते 3 आ रहा है, और ए डी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। वैसे यहाँ साइन की मिस्टेक हो गई थी, तो वो मैंने एक्यूरेट कर दी, और आंसर इक्वल। ठीक है, सही, आप लोगों ने वहां पे -5 + 5 कर देना, तो वो 0 हो जाएगा। यहां तक हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया डायग्राम तक। अब वो कह रहे कि आर दे इक्वल, क्या ये बराबर है, मिसाल के तौर पर वो मेरे से क्या पूछना चाह रहा है कि ये ए बी सी मतलब ये जो डायगोनल लाइन है, ये आपके पास इक्वल लगी है कि नहीं। हम लोग इसको पैथागोरस फॉर्मूले के तहत चेक करेंगे, कौन से फॉर्मूले के तहत, पैथागोरस। ठीक है, अब पैथागोरस के अंदर हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर, ये चीज आ जाती है। अब आपके पास ए से लेकर सी तक का फासला, ए से लेकर सी तक, जो हम लोगों ने इधर कहीं पे भी नहीं फाइंड किया, सो ए से लेकर सी तक के फासले के ऊपर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि भाई ए से लेकर सी का जो फासला जो डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पे लिख लूं तो ए सी के फासले के बराबर आना चाहिए ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे पहले मेंशन कर दी है। अब ए सी के वैल्यू को पहले फाइंड करेंगे, तो ए सी का पॉइंट क्या है, ए का पॉइंट है जी -6 और -5 जी, और सी के पॉइंट है जी 5 - 8। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या करते हैं कि x2 - x1, सो x2 क्या आपके पास 5, और x1 क्या चीज है आपके पास माइनस, तो +6 का होल स्क्वायर प्लस और -8। ठीक है, 5 - -5 - 8, सी मेरे पास 5 - 8। ठीक है, और -8 और +5 आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा होल स्क्वायर, एंड उसके बाद आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, 5 + 6 के 11 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये चीज आ गई आपके पास, और ये आ गया क्या बना जाएगा हमारे पास 121 + 9, तो 121 + 9 130 आपके पास आंसर आ गया। सही है, 130 जो आंसर आ रहा है वो ए और सी का आंसर आ रहा है।
अब आप लोगों ने क्या करना है कि ए बी प्लस बी सी को प्लस बी करना है, ए बी प्लस बी सी को प्लस बी करना है। तो ए बी का आंसर मेरे पास क्या आ रहा है जी, इधर हम लोगों ने फॉर्मूले में अप्लाई, ए बी का आंसर मेरे पास क्या आ रहा है जी, 11 प्लस, और अगला यह चीज है बी सी, बी सी का आंसर जी क्या आ रहा है हमारे पास 3, तो 11 प्लस 3 आपके पास क्या आ जाता है 14, ठीक है 14 आपके पास इज इक्वल टू 14 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या ये 14 का आंसर आया, किस चीज का, इन दोनों का आंसर 14 आया, और ए सी का आंसर क्या है 130। तो इसको मैं इधर सॉल्व कर दूंगा, तो मैं आप लोगों को या थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ मैं इस जगह को, या मैं इधर ही समझाने की कोशिश करता हूँ या रिमूव कर देता हूँ, वेट जो हम लोग निकाले थे जगह रिमूव कर दिया। अब देखिए मेरे पास फॉर्मूला क्या, मैंने क्या बोला था हम लोगों ने ये चीज प्रूफ करने की, जो डायगोनल लाइन है कि ये इक्वल है दोनों साइड पे, तो हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला मैंने बोला था, हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर पाइथागोरस फॉर्मूला बोला था, होल स्क्वायर परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, और ये किस चीज के ऊपर मैंने अप्लाई किया, इस नीचे वाले लोअर ट्राइंगल के ऊपर हम लोगों ने अप्लाई किया। तो ए से लेकर बी क्या है आपके पास बेस है, बी से लेकर सी क्या है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस क्या आ रहा है जी, ए सी का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या आ रहा है जी, बी सी का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या आ रहा है जी, ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या सिचुएशन होगी, अभी जो हम लोगों ने वैल्यू फाइंड किया ना ए सी, तो ए सी किस चीज के बराबर है, रूट 130 का होल स्क्वायर, और बी सी किसके बराबर आ रहा है आपके पास, बी एंड सी 11 का होल स्क्वायर, और ए बी किसके बराबर आ रहा है आपके पास 3 का होल स्क्वायर। ये कहां से पता चला, यहां से, बी सी किसके बराबर है 3 के, एंड ए बी किसके बराबर है 11, ये चीजें आप लोगों ने यहाँ पे लिख देनी, ठीक है। एंड इसके बाद आपके पास ये रेडिकल और ये कट जाएगा, तो 130 आ जाएगा, 11 का होल स्क्वायर 121 प्लस 3 का होल स्क्वायर 90, तो 130 इज इक्वल टू 130। तो हम लोगों ने ये चीज प्रूफ कर दी कि हाँ ये डायगोनल भी है और इसकी वर्टिसेस इक्वल भी है। तो हमारे पास ये आंसर था आज क्वेश्चन नंबर 8 का, थोड़ा सा लेंथी था लेकिन अभी ये थोड़ा सा और भी सॉल्व हो सकता है, पता है कैसे, आप अपर ट्राइंगल को भी चेक कर सकते हैं, वो लगेगा फॉर्मूला ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। तो ए सी क्या आ रहा है मेरे पास, सिंपल 130 आ रहा, तो ए डी का आंसर हम लोगों ने क्या लिखा था 11, और डी सी का आंसर सॉरी ए डी का आंसर 3 है और सी डी का आंसर 11 है। तो ये फिर दोबारा वही चीज बन जाएगी, सॉरी होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 के इजीली समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोग तो अभी तक वैल्यूज भी नहीं पुट करना आता फॉर्मूले के अंदर, तो आप मेरी पहले वीडियो देख सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर, डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है स्पेशल में, उसमें अंदर सिखाया कि कैसे हम फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो आप लोग जाके देखें, उससे सीखें कैसे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हैं। और आज की वीडियो का टॉपिक यहीं तक था, बस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था आज की वीडियो का टॉपिक, सो आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 इजीली समझ आ चुकी होगी। सो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।